आयुर्वेद में पंचकर्म एक जानी मानी चिकित्सा पद्धति है। पंचकर्म के अंतर्गत पांच कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षण। मैं अपनी आज की वीडियो में आपको नस्यम के बारे में विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल परमानंद आयुर्वेद में करती हूँ, जिसका उद्देश्य आपको वास्तविक आयुर्वेद से जोड़कर निरोग रखना है। आज हम बात कर रहे हैं नस्यम के बारे में। नस्यम पंचकर्म के अंतर्गत की जाने वाली एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है, जिसमें आपके नाक के द्वार से घी या फिर तेल डाला जाता है, जिससे आपकी नाक से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और इसके साथ ही साथ गर्दन से ऊपर की जितनी भी समस्याएं होती हैं, वो सिर से संबंधित हो, कान से संबंधित हो या फिर आपके नाक से संबंधित हो, वो सभी समस्याएं दूर होती हैं। आयुर्वेद में नस्यम को शिरोविरेचन के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में एक पंक्ति है, नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात नाक आपके मस्तिष्क का प्रवेश द्वार होता है। यानी अगर आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप नस्यम के द्वारा उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नस्यम में कौन कौन से तेल, घी का प्रयोग किया जाता है या फिर कई बार कुछ स्वरस का भी प्रयोग किया जाता है, तो उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तेल का प्रयोग बेसिकली वात संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। नस्यम में जो बेसिकली हम तेल का प्रयोग करते हैं, उसे वात संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। तेल को वात शामक कहा जाता है, इसीलिए आपको जो भी बीमारी होती है उसके अनुसार हमारे चिकित्सक तेल आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपका नस्यम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अणु तेल या फिर महामांस तेल। इसके साथ ही साथ जैसे कुछ लोग नस्यम में घी का प्रयोग करते हैं, तो घी का प्रयोग पित्त से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शिरबला घृत या फिर केसर घृत। इसके बाद जो और चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि स्वरस यूज़ किया जाता है, वह आपको कौन सी समस्या है उस समस्या को देखते हुए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के बीमारियों में कई बार स्वरस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूरवा स्वरस या फिर वचा चूर्ण का भी स्वरस बना के आपके नाक में डाला जाता है, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। यहां पे मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहूंगी कि गर्दन से ऊपर की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, आप नस्यम के द्वारा उन सभी समस्याओं से खुद को निजात दिला सकते हैं। जैसे कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या फिर आपको साइनस की समस्या है या फिर राइनाइटिस की समस्या है या फिर जिन लोगों को हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम होती है, इन सभी समस्याओं का आप नस्यम के द्वारा निदान पा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और विशेष बात बताती हूँ। जब नस्यम की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उससे पहले रोगी के सर, नाक और कान की मसाज की जाती है और उसके बाद उसे भाप दिया जाता है, जिसे कि स्नेहन और स्वेदन की प्रक्रिया कहा जाता है। इससे जो व्यक्ति का जो जमा हुआ कफ होता है वो बाहर आने लग जाता है, जो कि पतला हो जाता है और नस्यम की प्रक्रिया के बाद वह बाहर आ जाता है। तो मैंने अपनी आज की वीडियो में आपको यही बताया कि नस्यम किस प्रकार आपकी बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकती है। एक रोगी तो कभी भी नस्यम करवा सकता है, परंतु इसके साथ ही साथ अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी कभी भी नस्यम करवाना चाहता है तो वह भी करवा सकता है। मेरी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं आयुर्वेद से जुड़े कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि नस्यम चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है, परंतु यह है बहुत असरदार। परंतु फिर भी आप इस प्रक्रिया को बिना डॉक्टर की देखरेख में ना करें। आप जब भी इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो आप पहले अपने चिकित्सक से सलाह अवश्य कर लें, इसके बाद ही इस चिकित्सा को घर पे करें। नहीं तो आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाकर नस्यम आसानी से करवा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या फिर आप किसी भी रोग से संबंधित हमारे चिकित्सक से बात करना चाहते हैं, तो हमारा पूरा एड्रेस और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप उस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे चिकित्सक से उचित सलाह ले सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।